की गाड़ी हादसे का शिकार होते होते बची, खुद माफिया डॉन अतीक अहमद हादसे का शिकार होते होते बाल बाल बचा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको टाइम्स नाउ नवभारत पर हम दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे अतीक अहमद का जो काफिला है वो एक हादसे का शिकार होने से बचा। सबसे बड़ा सवाल अतीक अहमद के मन में यही आया होगा कि आखिर हुआ क्या है, कहीं गाड़ी पलटने की कोई दुर्घटना ना हो जाए। हालांकि वाकई ऐसा हुआ था कि गाड़ी पलटते पलटते बाल बाल बची है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये बुंदेलखंड का वो इलाका है, अक्सर यहाँ आप देख पाएंगे कि चारों तरफ सूखा नजर आ रहा है, पशु जो है वो आवारा इस सड़क पर यहाँ काफी बड़ी संख्या में अक्सर नजर आते हैं। तो ऐसे में आप देखिए कि खुद वो डॉन जिसका दहशत पूरे उत्तर प्रदेश में था वो कितने दहशत में रहा होगा। कल साबरमती से जिस जेल से उसे निकाला गया उस वक्त से उसके चेहरे पर तनाव देखा जा रहा था। और ये तस्वीर देखिए, ये प्रिजन व्हीकल है जिसमें अतीक मौजूद है और कैसे ये गाड़ी बाल बाल बची है, कैसे माफिया डॉन जो है वो आज बाल बाल बचा। बड़ा हादसा होने से पहले इस गाड़ी को रोक लिया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी सिक्योरिटी को लेके काफी सख्त गाइडलाइन जारी किए गए थे, लेकिन डर पूरे परिवार को सता रहा है कि कहीं गाड़ी ना पलट जाए, कहीं विकास दुबे की तरह एनकाउंटर ना हो जाए। और इसीलिए कोर्ट में याचिकाओं पर याचिकाएं अतीक अहमद का परिवार दाखिल करता रहा कि बाय रोड अतीक अहमद को प्रयागराज ना ले जाया जाए। लेकिन देखिए कैसे यह हादसा हुआ, गाड़ी जो है कम से कम 80 से 100 की रफ्तार पर इस हाईवे पर आगे बढ़ रही थी। काफिले में जो आगे के कार हैं वो आगे बढ़ गए, लेकिन अचानक जो प्रिजन व्हीकल है उसे ब्रेक लगाकर रुकना पड़ा। सोचिए कि खौफ के मंजर में इस गाड़ी में मौजूद अतीक अहमद पर क्या गुजरी होगी, किस तरह से दहशत में डॉन नजर आया होगा क्योंकि वो बाल बाल आज हादसे का शिकार होने से बच गया। और एक ही डर अतीक अहमद को सता रहा था कि उत्तर प्रदेश में एंटर करने के बाद खतरा कहीं बढ़ ना जाए, क्योंकि देखिए इससे पहले गुजरात यूपी पुलिस का इलाका नहीं और ऐसे में राजस्थान यूपी पुलिस के अंडर नहीं, लेकिन जब अपने इलाके में यूपी पुलिस पहुंचती है तो डर और ज्यादा मंडराने लगता है। तो लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर मैं दिखाती हूँ, ये बुंदेलखंड का, झांसी से जब आप आगे बढ़ते हैं वो हाईवे है जो प्रयागराज की ओर आगे बढ़ता है, और इसी हाईवे पर अचानक ये प्रिजन व्हीकल उत्तर प्रदेश पुलिस का देखिए ब्रेक लगा कर पहले स्लो डाउन होता है और फिर कुछ मिनट के लिए ये प्रिजन व्हीकल रुका रहता है। एक दो जो काफिले की गाड़ियां हैं वो आगे निकल जाती हैं और तीसरे नंबर पर मौजूद अतीक का ये प्रिजन व्हीकल देखिए कैसे एक जानवर से टकराने के बाद स्लो डाउन होता है और फिर गाड़ी को यहीं रोकना पड़ता है। जैसे ही इस कार को रोकना प्रिजन व्हीकल को यहां रोका गया, अतीक अहमद की सांसें फूल गई। आपको बता दें कि इसके पीछे और भी कई गाड़ियां थी और जैसे ही प्रिजन व्हीकल को रोका गया यहां से आप देख पाएंगे कि जानवर जो है वो भागता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें जो डॉन को भी दहशत दे दें कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़े हुए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में यानी कि अपने एरिया में यूपी पुलिस एंटर कर चुकी है, डॉन की दहशत और ज्यादा बढ़ गई होगी। देखिए बिल्कुल डरा हुआ है अतीक अहमद, इस घटना के बाद अतीक अहमद और डर गया है, परिवार वाले और चिंता के माहौल में आ गए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में बराबर गुहार लगाई जा रही थी, याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस मामले पर सुनवाई नहीं की। कल यूपी पुलिस उसे लेकर साबरमती से रवाना हुई और आज जब लाया जा रहा था ये हादसा हुआ है, तो ऐसे में अंदाजा लगाइए कितना भय उसके मन में व्याप्त होगा। जब वो साबरमती जेल से उस वाहन में चढ़ रहा था तब वो शंका जता रहा था, उसे आशंका थी कि कोई कोर्ट के कंधे पर रखकर कोई साजिश की जा सकती है, उसे मारा जा सकता है। और जब ये घटना घटी उस वक्त सोचिए अतीक के हाल क्या होंगे, अतीक के चेहरे का जो भाव होगा उस वक्त उन पुलिसकर्मियों ने देखा होगा, कितना डरा हुआ अतीक अहमद होगा। लेकिन देखिए पुलिस कितनी मुस्तैदी से काम कर रही है, कितना सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। जैसे ही वो घटना घटी जानवर आया, तुरंत वज्रवाहन को रोका गया जिसमें अतीक अहमद सवार था, उस वाहन को रोका गया और जो चालक है उसने उतर के वहां पर देखा, उसके बाद फिर गाड़ी को आगे बढ़ाया गया। तो पूरी चाक चौबंद व्यवस्था के तहत अतीक अहमद को सुरक्षित
प्रयागराज लेकर पहुंचाया जाए, इसका खास ध्यान रखा गया है। और उसके बाद यहां पर चालक दल को आराम भी दिलवाया गया है ताकि आने वाला सफर एकदम सुरक्षित रहे, अतीक के लिए महफूज रहे, ऐसी कोशिश की गई है। हालांकि समय समय पर राज्य सरकार के मंत्री कहते रहते हैं कि अपराधियों की गाड़ी पलटे तो दिक्कत क्या है, विपक्ष को दिक्कत होती है, जबकि अपराधी तो अपराधी है। कानून के मन में, कानून के राज में केवल अपराधियों के लिए दंड की सजा का प्रावधान होना चाहिए, तो दंड किसी भी रूप में मिले। तो लगातार जब बजट सत्र चल रहा था तो हम जितने भी मंत्रियों से बातचीत कर रहे थे, जेपीएस राठौर हो, सांसद सुब्रत पाठक हो, वो लगातार इस चीज़ को कह रहे थे, तो अपराधियों के मन में खौफ है। उसी खौफ का नतीजा है कि अतीक अहमद को कहना पड़ा, जाना पड़ा, अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन को सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल मनीष, ये डॉन की दहशत ही है कि देखिए इतना बड़ा काफिला, इतनी सारी सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद पीछे पीछे उसके गुर्गे, पीछे पीछे उसकी बहन और परिवार की गाड़ियां चल रही कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। और एक अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसा हादसा भी होता है कि जानवर से अगर गाड़ी टकराती है तो परिवार वालों का और खुद अतीक अहमद का जो खौफ है वो कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। देखिए डर और ज्यादा इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि अब यूपी पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो अपने ज्यूरिसडिक्शन में है, अब किसी और राज्य में नहीं है। यहाँ यूपी पुलिस पर सवाल उठाने का जो की नौबत है वो बहुत कम हो जाती है। ऐसे में छोटे से छोटा वाक्या भी डॉन का दहशत बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि अतीक अहमद बाल बाल बच गया। अतीक अहमद का ये काफिला लगभग 36 घंटे का सफर तय करना था और पूरी रात क्योंकि ये काफिला चला है, ऐसे में आज सुबह जब ये हादसा हुआ, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, डॉन का दहशत हाई हो गया। ये तस्वीर आप देखेंगे तो समझेंगे कि किस तरीके से रोड क्लियर करवाने के बाद जब दो गाड़ियां यूपी पुलिस की आगे बढ़ी, तीसरे नंबर पर जो प्रिजन व्हीकल था वो एक जानवर से टकराने के बाद रुक जाता है, जो ड्राइवर है वो दरवाजा खोलकर बाहर आता है और इतने देर में सांसें फूल जाती हैं माफिया अतीक अहमद की।